नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। साथ की बात में आज की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले सात तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में असर डाला है। तो चलिए पहली खबर का रुख करेंगे। देश में रोजाना कई मामले सामने आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बेहद दर्दनाक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लापरवाही तो अधिकारियों की होती है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के विदिशा में, जिस पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबास सौदा इलाके में गुरुवार को कुएं से एक लड़के को निकालने की कोशिश के दौरान अंदर गिरे 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और 11 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। खबरों की माने तो शुक्रवार देर रात राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के हवाले से कहा गया कि लड़के का शव कुएं से निकाला जाने वाला आखिरी शव था। जिले के प्रभारी मंत्री सारंग ने कहा है कि बचाव अभियान खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कुएं में गिरने से मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे से दुखी हूं, शोक संवेदना परिवारों के प्रति है। वहीं पीएमओ से हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की गई है। हादसा कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक इलाके के लाल पात्रा गांव में 10 साल का बच्चा कुएं से गिर गया। इसके बाद कुछ लोग उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे, जबकि कई लोग इसकी मदद करने लगे और माजरा देखने के लिए, जैसा कि हमेशा होता है कि कुएं के मुंडेर पर लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनकी मौत इंतजार कर रही है। इसके बाद कुएं की मुंडेर अचानक ढह गई और उस पर खड़े लोग कुएं के पानी में गिर गए। कुआं लगभग 40 फीट गहरा था। पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा ट्रैक्टर भी कुएं में गिर गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और आगे बढ़ते रुख करेंगे हमारी दूसरी खबर का, जो कि अमेरिका और भारत की दोस्ती पर बनी हुई है। दरअसल अमेरिका और भारत की दोस्ती लगातार बढ़ रही है। इसका हाल ही में एक उदाहरण देखने को मिला है। जी हां, अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं, जिससे दोनों की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। जानिए क्या है इस डील की ताकत। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-607 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। भारतीय नौसेना लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी सरकार से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमति लागत से फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत खरीद रही है। नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड सैन डियागो में शुक्रवार को एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टरों के औपचारिक ट्रांसफर को मार्क किया गया था। इस समारोह में भारत के राजदूत रणजीत सिंह सिद्धू ने भाग लिया। इस समारोह में वाइस एडमिरल केनेथ व्हाइटसेल, कमांडर नेवल एयरफोर्सेस यूएस नेवी और वाइस एडमिरल नवरीत सिंह डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बीच दस्तावेजों को लेकर प्रक्रिया पूरी की गई। कार्यक्रम में अमेरिकी नौसेना और लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन का वरिष्ठ नेतृत्व भी मौजूद रहा। हर मौसम में कारगर है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय राजदूत ने कहा है कि हर मौसम में काम करने वाली मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को शामिल करना भारत अमेरिका के बीच बने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारतीय राजदूत रणजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि भारत अमेरिका की दोस्ती आसमान को छू रही है। आगे वो कहते हैं कि कुछ वर्षों में द्विपक्षीय रक्षा व्यापार बढ़कर $20 अरब से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा व्यापार से आगे बढ़ते हुए भारत और अमेरिका रक्षा प्लेटफॉर्मों के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंटर पर भी साथ काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक है हेलीकॉप्टर MH-60R। MH-60R हेलीकॉप्टर एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जिसे अत्याधुनिक एवियोनिक के साथ कई मिशन में इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इन चॉपर्स को शामिल करने से भारतीय नौसेना की त्रिकोणीय क्षमताएं बढ़ेंगी। इन हेलीकॉप्टर्स को भी कई मॉडिफाइड उपकरणों और हथियारों के साथ लैस किया जाएगा।
कई स्तरों पर बढ़ेगी नौसेना की ताकत। भारतीय नौसेना का पहला जत्था इस समय अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहा है। रक्षा विभाग के मुताबिक प्रस्तावित बिक्री भारत को एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन युद्ध अभियानों की दीक्षा में मजबूत करेगा। भारत की क्षमता कई स्तरों पर बढ़ेगी। भारतीय कैबिनेट ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा से कुछ हफ्तों पहले ही फरवरी 2020 में हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी को मंजूरी दी थी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है ताकि यूपी में नए उद्योग स्थापित हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं उत्तर प्रदेश में मन मुताबिक सुविधाएं और माहौल मिलने की वजह से बड़ी कंपनियों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। आइए जानते हैं बाराबंकी में किस तरह का विकास हो रहा है। आईटी सेक्टर से लेकर कई तरीके के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अब अपनी एक यूनिट उत्तर प्रदेश में लगाना चाह रही है। इसी क्रम में भारत की फूड के बेवरेज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड राजधानी लखनऊ के करीब बाराबंकी जिले में 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बिजनेस इंस्टेब्लिशमेंट के लिए कंपनी ने बाराबंकी में जमीन खरीद ली है और यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना ने जानकारी दी थी कि ब्रिटानिया कंपनी की तरफ से बाराबंकी में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट न सिर्फ प्रदेश का विकास करेगा बल्कि करीब 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर भी देगा। इसके साथ ही अगर एक फूड कंपनी किसी जगह पर अपनी यूनिट स्थापित करती है तो इससे आसपास के किसानों को भी खूब फायदा मिलता है। सतीश महाना का कहना है कि मौजूदा सरकार में यूपी में एक स्वास्थ्य व्यवसायिक वातावरण तैयार हुआ है। और आगे बात करते हुए सतीश महाना ने बताया कि कोरोना महामारी के आने के बाद से परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। ऐसे में सरकार ने कई नीतियां लागू की हैं। पिछड़े क्षेत्रों के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश के पूर्वांचल मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए फास्ट ट्रैक मोड में औद्योगिकी इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में बाहर का निवेश का माहौल बहुत बढ़िया तैयार किया गया है। इसी कड़ी में ब्रिटानिया ने बाराबंकी में 300 करोड़ से ऊपर का निवेश करने का निर्णय लिया है। नोएडा में पीछे देखा गया है कि कई मोबाइल कंपनियां आई हैं। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बेहतर कर रहा है और बहुत से निवेश हमको देखने को मिल रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कुशल निर्देशन और उत्तर प्रदेश सरकार का की मेहनत इस समय रंग ला रही है और पीछे की सरकारों ने जो एकदम आतंक का माहौल बना रखा था, भय का माहौल बना रखा था, उस माहौल को खत्म कर दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश के चारों तरफ बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, कहीं भी इस समय बहुत सी इकाइयां लग रही हैं और आने वाले दिनों में ये इस बात का परिचायक होगा कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक उत्तम प्रदेश बन रहा है। लोग देखेंगे, अभी तक जो विरोधी हमारे ऊपर तंज कसते हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है और काम का ही इनाम हमको आने वाले 2022 के चुनाव में हमको अपना ही जो रिकॉर्ड है 300 से ऊपर सीटों का हम तोड़ने जा रहे हैं और तोड़कर दिखाएंगे। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। ओलंपिक को शुरू होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं लेकिन 4 दिन पहले खुले खेल गांव में कोरोना का पहला केस सामने आया। खेल गांव में तैयारी में जुटा एक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। आयोजकों ने संक्रमित अधिकारी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। इससे 2 दिन पहले जापान में मौजूद एक खिलाड़ी और 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं ब्राजील की जूडो टीम जिस होटल में रुकी वहां के 8 कर्मचारियों के भी संक्रमित होने का मामला सामने आया था। टोक्यो में 22 अगस्त तक आपातकाल जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को 3,418 केस सामने आए। इस दौरान 24 लोगों की मौत हो गई। इसी के मद्देनजर टोक्यो में आपातकाल को बढ़ाकर 22 अगस्त तक कर दिया गया। इस दौरान पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर को रात 8 बजे तक बंद करने के लिए आदेश दिए गए। ओलंपिक में खुद गले में डालना होगा मेडल और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर एथलीट का ये सपना होता है मेडल जीतना। जीत हासिल करने वाले एथलीटों को पोडियम पर मेडल पहनाया जाता है। ये लम्हा उनके जीवन का सबसे यादगार पल भी बन जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक्स में ऐसा नहीं होगा। इस बार विजेता एथलीटों को खुद ही अपने गले में मेडल डालना होगा। साथ ही मेडल सेरेमनी के दौरान एथलीटों के हाथ मिलाने और गले मिलने पर भी रोक होगी। ओलंपिक्स में दर्शकों की एंट्री पर भी रोक है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण टोक्यो में आपातकाल लागू है। ओलंपिक स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर बैन है।
पहले कहा गया था कि स्टेडियम में 50% क्षमता के साथ लोगों को एंट्री दी जा सकती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। जापान के लोग ओलंपिक के पक्ष में नहीं थे। जानकार बताते हैं कि जापान विशेषकर टोक्यो के निवासी कोरोना काल में ओलंपिक आयोजन के पक्ष में नहीं है। अधिकांश सर्वे में 60-70% लोगों ने कहा है कि अभी ओलंपिक को टाल देना बेहतर होगा। मार्च में शुरू हुई ओलंपिक टॉर्च रिले को भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। एक शहर में तो मशाल बुझाने की कोशिश भी हुई थी। हालांकि जापान की सरकार ने आयोजन जारी रखने का फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत का कहना है कि हर भारतीय का डीएनए एक है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ये बयान मोहन भागवत ने दिया था, जिस पर राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई थी। हम किसी भी धर्म को मानते हों पर हमारे डीएनए में कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकजुटता जैसी बातों का कोई आशय नहीं है। लेकिन उनके इस बयान के मतलब बड़े हैं। उन्होंने ये बयान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहां पहले से धर्मांतरण, दो चाइल्ड पॉलिसी जैसे मुद्दों पर लोग दो हिस्सों में बंटकर बहस कर रहे हैं और अब डीएनए ये चर्चा और जोर पकड़े। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि मोहन भागवत के दावे में सच्चाई कितनी है। क्या हमारे माँ बाप खानदान से आता है डीएनए? ये पहला सवाल है। डीएनए यानी आपके शरीर की कोडिंग, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, आपकी नाक कितनी लंबी होगी और आप सोचेंगे कैसे, ये सब कुछ डीएनए की कोडिंग से ही तय होता है। हमारा शरीर 200 तरह की कोशिकाओं से बना हुआ है। ये डीएनए उसी के अंदर केमिकल से बने महीन किस्म के बुने हुए धागों की तरह होता है। ये हमारे भीतर हमारे माँ बाप के जरिए आता है। इसमें दो खास बातें हैं। पहली, क्रोमोसोम, ये केवल हमारे माता पिता से मिलती है, लेकिन हमारे डीएनए के जीन्स चाचा, नाना, ताऊ, दादा यानी माँ और बाप दोनों के खानदानों में से किसी के भी जीन्स से मेल खा सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि हमारे पिता, दादा या परदादा किसी के भी बाल ना झड़ते रहे हों लेकिन हमारे बाल झड़े। ऐसा इसलिए कि बाल झड़ने वाले जीन्स 3 पीढ़ियों तक एक्टिव ना रहे हों और वो 4थी पीढ़ी में एक्टिव हो गए हों। भारतीयों की नस्ल में क्या है कई तरह के डीएनए, ये दूसरा सवाल है। साइंस की एक थ्योरी कहती है कि एक ही शख्स के डीएनए में 2 अलग-अलग पीढ़ियों के जीन्स आ सकते हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि हम भारतीयों के डीएनए में पश्चिमी देशों के जीन्स आने के आसार बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पुर्तगाल, फ्रांस, यूके, ग्रीस के लोग लंबे समय तक भारत में रहे और हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी की, बच्चे पैदा किए। यहाँ तक कि जब देश आजाद हुआ तो संसद में एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से 2 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। एंग्लो इंडियन यानी भारतीय महिलाओं से पैदा होने वाले अंग्रेजों के बच्चे या फिर ब्रिटिश महिलाओं से पैदा हुए भारतीयों के बच्चे, इनके डीएनए में भारत और पश्चिम देश दोनों के जीन्स हैं। वहीं अब फिर बात करें मोहन भागवत की, तो मोहन भागवत का कहना है कि हमारा डीएनए एक ही है, ये पूरा सच नहीं है। लेकिन जिस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। असल में हरियाणा के राखीगढ़ में खुदाई में कुछ कंकाल मिले थे। हार्वर्ड, बोस्टन, लखनऊ यूनिवर्सिटी और डेकिन कॉलेज के 30 इतिहासकार इस पर रिसर्च कर रहे थे। डेकिन कॉलेज के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वसंत शिंदे टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने 2019 में स्टडी पब्लिश की और दावा किया कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि 8000 साल से यहीं थे, क्योंकि जिस कंकाल पर स्टडी की गई वो हड़प्पा सभ्यता के लोग के थे। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले आर्यों ने ही वेद उपनिषद रचे। यही लोग पूरे साउथ एशिया में फैले। इनके डीएनए एक ही हैं। पूरे साउथ एशिया के डीएनए एक ही कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के हर शख्स का डीएनए एक ही है। इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील के पाराशरण ने दलील दी कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं। रामायण में सीता श्री राम को आर्य कहकर बुलाती थी, ऐसे में वो बाहरी कैसे हो सकते हैं? यानी ये साबित हो जाता है कि हर भारतीय में एक ही वंश के जीन्स हैं, या फिर कह लीजिए कि सबके डीएनए एक है। आर्यों के बाद हमारे देश में ग्रीक, मंगोल, मुस्लिम, पारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी आए। सभी ने हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी की, बच्चे पैदा किए, जिसके चलते देश में आज सैकड़ों किस्म की नस्लें यानी डीएनए मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी सरकार 2015 में ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक लाने वाली थी। आपको याद होगा अगर आपने ये खबरें पढ़ी होंगी। अगर ये विधेयक संसद में पास हो गया होता तो आज डीएनए वाला पूरा झगड़ा ही खत्म हो गया होता, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद हम सभी के डीएनए चेक हो चुके होते, लेकिन वो तैयारी पूरी नहीं हो सकी।
तो अब डीएनए को चुनावी मुद्दा बनाती है राजनीतिक पार्टियां। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हमें चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए कि डीएनए जैसे विशुद्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक बात को बार बार राजनीतिक हस्तियां क्यों छोड़ देती हैं, वो भी तब जब चुनाव सिर पर होते हैं, या फिर डेकन कॉलेज पुणे की स्टडी 2019 में क्यों आई जब देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। इसके लिए हमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार की 6 साल पुरानी एक दास्तां कहानी याद करनी होगी। साल 2015 था, नीतीश कुमार फटाफट बिहारियों के बाल नाखून थूक खून इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने 50 लाख बिहारी लोगों के सैंपल लेकर पीएमओ भिजवा दिया और कहा था, लीजिए मोदी जी, करा लीजिए हमारा डीएनए चेक। मामला दरअसल ये था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, तब नीतीश एनडीए छोड़ गए। 2015 में जब बिहार विधानसभा चुनाव आए तो वो लालू के साथ चले गए। इसी बात पर पीएम मोदी 21 अगस्त 2015 को मुजफ्फरपुर की एक रैली में बोले, शायद उनके यानी नीतीश के डीएनए में ही गड़बड़ है। पीएम मोदी के मुंह से डीएनए निकला तो नीतीश समझ गए बिहारियों को एक करने का मौका मिल गया है। पलटवार करते हुए नीतीश बोले कि मोदी ने बिहार के डीएनए पर उंगली उठाई है, जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे डीएनए पर उंगली उठा रहे हैं। फिर चुनाव तक ये अहम मुद्दा बना रहा। अब यूपी चुनाव से पहले मोहन भागवत को डीएनए की याद आई है। अगर विज्ञान की माने तब तो मोहन भागवत की बातों में सच्चाई नहीं है, लेकिन ट्रेंड यही करता है कि अब हमें कई लोग हमारा डीएनए बताएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम किसकी सुने। तो आज ये बताना जरूरी था क्योंकि डीएनए को लेकर लगातार लड़ाइयां बढ़ती हुई जा रही हैं। ये आपकी हमारी नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान। अफगानिस्तान में 90 का दशक ऐसा था कि वहां तालिबान की तूती बोलती थी, लेकिन 1911 के हमलों के बाद अमेरिका ने ओसामा की तलाश में जब अफगानिस्तान में हमला किया, तब तालिबान की सल्तनत को भी उखाड़ फेंका। आज इस पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि फिलहाल जो ताजा मुद्दा है, जो कि वैश्विक स्तर पर उठाया गया है, वो अफगानिस्तान और तालिबानी आतंकियों का है। पिछले 20 सालों से अमेरिकी सैनिक तालिबान को तबाह करने के लिए अफगानिस्तान में ही डटे हुए थे। दुनिया ने सोचा था कि वहां अमेरिका की मौजूदगी तालिबान को तबाह कर देगी, लेकिन अरबों डॉलर बर्बाद करने और अपनों ही हजार सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे हैं, और इसी के साथ अफगानिस्तान में लौट रहे हैं तालिबानी आतंकी, जिनके लिए अब काबुल भी दूर नहीं है। जिसका डर था वही हो रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के रुखसत होते ही तालिबान का कोहराम शुरू हो चुका है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, लूटमार, कब्जा जारी है। जगह जगह अफगान आर्मी तालिबानी लड़ाकों से सामने सरेंडर करने को मजबूर कर रही है। अब तक देश के 85% से ज्यादा हिस्से पर तालिबानी लड़ाके अपना कब्जा जमा चुके हैं और वो लगातार कॉम्बिंग करते हुए काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका अंदेशा तो पहले से ही था, क्योंकि अमेरिकी सेना की मौजूदगी की वजह से अफगान सेना कभी खुद को इतना मजबूत बना ही नहीं पाई कि वो हथियारों और रणनीति के मामले में हाईटेक हो चुके तालिबान का मुकाबला कर सके। ये तो होना ही था, मगर अब आगे आगे जो होगा उससे तमाम मध्य एशियाई देश फिक्रमंद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के स्कूली खेल के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो पिछले कई सालों से अमेरिकी फौज से अफगानिस्तान से वापसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जिस तरह अफगान सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते बनाता जा रहा है, उससे आने वाले वक्त में उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। मगर जो बाइडेन के फैसले के बाद पाकिस्तान की बाछें खिल गई हैं और उसने तालिबान को अपने पूरी तरह से अफगान पर कब्जा जमाने के लिए समर्थन देना शुरू कर दिया है। ऐसे में तालिबान का सिर उठाना तो लाजमी ही था, और हुआ भी यही। अमेरिका के जवानों की घर वापसी के साथ तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। जाहिर है पाकिस्तान की नीति और नीयत आतंकवाद को समर्थन करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हक्कानी आतंकियों ने तालिबानियों से हाथ मिला लिया। इसके बाद से ही अफगानिस्तान में हालात बदलने शुरू हो गए। अफगानिस्तान में इंच इंच जमीन को बचाने के लिए खूनी संघर्ष हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ
खून ही खून बह रहा है। हर गुजरता दिन अफगानी सरकार की हार की इबारत लिख रहा है। दुनिया ने सोचा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी तालिबान को कमजोर करेगी, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। तालिबान कमजोर होने के बजाय पूरी ताकत से उभर कर सामने आ रहा है। तालिबान का एक खूनी खेल तब तक चल रहा है जब अमेरिकी सेना अभी पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापस नहीं हुई है। अफगानिस्तान में कुल 20 राज्य हैं जिनके 421 जिलों में कम से कम आधे पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। खबरों की माने तो अब तक तालिबान ने मुल्क के करीब 193 जिलों में कब्जा जमा लिया है। बाकी 149 जिलों में तालिबान अफगानिस्तान की आर्मी के बीच टकराव जारी है। अब महज 75 जिलों में अफगानिस्तान की सरकार का नियंत्रण बचा है। इस वक्त भी तालिबान के कई शहरों में युद्ध चल रहा है, कई इलाकों में बमबारी हो रही है। बदलते हालात में अपनी जान बचाने के लिए अफगान के लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। तालिबान की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द उसका काबुल पर कब्जा हो जाएगा। तालिबान की एक खूबी रही है कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। यहाँ भी उसने अब आम लोगों को अपना ढाल बनाना शुरू कर दिया है। शहर में घुसकर लोगों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। जाहिर है ऐसे हालात में आतंकियों से निपटना मुश्किल हो रहा है। तालिबान का अगला प्लान अफगान के बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा जमाने का है। ऐतिहासिक गजनी शहर को तालिबान ने घेर लिया। गजनी वो इलाका है जहां से काबुल और कंधार का अहम रास्ता गुजरता है। कंधार से आपको याद आया होगा कि भारतीय पत्रकार की कंधार में ही हत्या हुई है। यानी तालिबानियों के लिए अब कंधार दूर नहीं, भारत का भारी भरकम निवेश अच्छे भले पटरी पर वापस आते अफगानिस्तान को अमेरिका के फैसले ने सड़क पर ला दिया। यहाँ फिर से 90 के दशक के हालात पैदा हो गए हैं, फिर वही खौफ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी यकीनन पड़ोसी मुल्कों के लिए चिंता का सबब है, खासकर भारत के लिए, क्योंकि बीते दो दशकों के दौरान हिंदुस्तान ने अफगान में भारी भरकम निवेश किया है। निवेश के अलावा भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को भी नए आयाम मिले, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अफगान में बदलते हालात भारत के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने चयनित लाभार्थी माताओं और नवजात शिशुओं को महालक्ष्मी किट वितरित किए हैं। पूरे राज्य में समस्त जनपदों के कुल 16,000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है कि इस अभियान से व्यापक जन जागरूकता आई है। इससे लिंगानुपात में सुधार भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि बेटों की बजाय बेटियां माता पिता का ज्यादा ख्याल रखती हैं। आजीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां बेटियों ने सफलता ना पाई हो। वहीं नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना बेटियों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण योजना भी है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना भी शुरू की गई है। जो हमारी बालिकाएं पैदा हो रही हैं, उन बालिका पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है, और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी मानसिकता को खत्म करना है। प्रकृति और संविधान ने समानता का संदेश दिया है, इसलिए बेटियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। महिला पुरुष का समाज में समान महत्व है, भेदभाव की सोच को समाप्त करना है। आप एक एक करके आपको भेजिए और एक तैयारी कीजिए, प्रॉपर तरीके से फोटोग्राफ भी हो सके। और पहली प्राथमिकता बच्ची जिसके साथ हो उसको भेजो, पहली प्राथमिकता जिसके पास बच्ची हो उसको भेजो। वहीं इस योजना के तहत कई शर्तें भी हैं जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण जरूरी, सरकारी अथवा प्राइवेट माता शिशु रक्षा कार्ड की प्रति जरूरी है और संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र भी जरूरी है। आकस्मिक कारणवश रास्ते में या घर में प्रसव है तो द्वितवर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकृति उनके द्वारा यहाँ पर चिकित्सा सेवा दी जाएगी। वहीं परिवार रजिस्टर की भी प्रति जरूरी है और प्रथम द्वितीय जुड़वा कन्या के जन्म हेतु स्वप्रमाणित घोषणा भी की गई है। वहीं नियमित सरकारी अर्ध सरकारी सेवा तथा आयकरदाता न होने और विषयक प्रमाण पत्र भी जरूरी है। तो ये थी आज की 7 बड़ी खबरें जिसको लेकर
हमने आपको उनसे रूबरू कराया है। उम्मीद है कि आप लगातार न्यूज़ वन इंडिया को इतना ही प्यार देते रहेंगे जितना लगातार आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।